शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव की मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले, दादरी से लेकर महंगाई पर सुनाई खरी खरी। मंदिर मुद्दे पर उद्धव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोला मंदिर नहीं यही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। महंगाई को लेकर उद्धव ने बीजेपी को घेरा, कहा प्याज से सरकार गिर सकती है तो महंगाई पर क्या होगा। उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, सिविल कोड लागू करने को कहा। दशहरा रैली में मंच पर उद्धव के आने से पहले भीड़ ने लगाए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ नारे। हाल ही में शरद पवार के गृह जिले बारामती में जेटली ने कहा था कि भारत में विकसित हो जाएगा अगर यहां बारामती जैसे विकसित 100 शहर हों। महाराष्ट्र के खाली पड़े खजाने को भरने के लिए सरकारी जमीनें बेचेगी फडणवीस सरकार, करिए 12,000 करोड़ रुपए कमाने का अनुमान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आरएसएस की रैली, शामिल हुए पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल। थाने में दाल की छापेमारी में पकड़ी गई 100 करोड़ की कीमत की दालें, 5 गोदामों पर मारे गए छापे। पांचों गोदामों को सील करके इनके मालिकों को जमाखोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दशहरा रैली में संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना छोटा भाई बड़ा भाई नहीं जानती, वो बाप है और बाप हमेशा बाप रहता है। दशहरे के मौके पर सालाना संबोधन, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चला दलित कार्ड, अंबेडकर की जमकर तारीफ की, कहा सामाजिक विषमता दूर की। प्रेस रिलीज में शंकराचार्य और बुद्ध से की तुलना। नागपुर में संघ के दशहरा रैली में मौजूद थे सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी की शिरकत। शिवसेना भवन के सामने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पोस्टर लगाने पर कांग्रेस को आपत्ति, शिवाजी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अरुण जेटली पर हमला, कहा हमें असहिष्णुता का भाषण ना दे, शिवसेना ही अकेली ऐसी पार्टी जिसने सत्ता में आने के बाद भी खुद को नहीं बदला। बॉलीवुड गायक लव जंजुआ की मुंबई में मौत, देवजी और क्वीन जैसी फिल्मों में सुपरहिट गानों से हुए थे मशहूर। लव जंजुआ के निधन पर प्रीतम सुनिधि चौहान, सलीम मर्चेंट ने जताया शोक। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई बॉलीवुड सितारों ने लोगों को ट्विटर पर दी दशहरे की शुभकामनाएं। मुंबई में बीती रात पानी का पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद, सड़क की मरम्मत के दौरान फटा पाइप। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। उद्धव ने ना फडणवीस सरकार को बख्शा और ना ही केंद्र की मोदी सरकार को। उद्धव के हमलों से साफ था कि बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों में गांठ बहुत ही गहरी पड़ चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं दशहरा रैली में बीजेपी पर किए गए उद्धव के वार। आपल्याला काय घोषणा द्यायला बरं आहे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जा,
रामाने रावणाला हिंदुस्थानात नाही मारला तर लंकेत घुसून रावणाचा मुर्दा पाडला हे जर रामायण आपल्याला माहिती नसेल तर जय राम जी की आणि मंदिर वही बनायगे या घोषणा नुसत्या पोकळ्यात त्याला काय अर्थ नाहीये। गायवती चर्चा चालली गाय काल परवाकडे मी कुठल्या तरी चॅनलवर पाहिलं गाय पे चर्चा। अरे गायीवरती काय बोलताय हिम्मत असेल तर महागाईवरती बोला ना महागाईवरती बोला। आपलं सरकार होतं त्यावेळेला पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव स्थिर होते की नव्हते सरकार तर होताच पण भाव सुद्धा स्थिर होते की नव्हते तुम्ही सांगा ना आम्हाला पत्रकार बांधवांनी सांगावं। मग त्यावेळेला जे जमलं ते यावेळेला का जमत नाही म्हणजे सेंचुरी कोणाची बघायची कोहलीची बघायची का डालीची बघायची। गैरसमजातून तुम्ही ते दादरी प्रकरण घडवलं हत्याकांड घडवलं देशाची मान खाली जाते त्या दादरी प्रकरणामुळे जाते शाही लावल्यामुळे जात नाही हिंदुत्व आणि देशाचा अभिमान ज्यांनी सांगितलाय त्यांच्यामुळे देशाची मान खाली जात नाही तर दादरीमुळे जाते। काय गुन्हा होता नवरा बायको आणि दोन कच्ची बच्ची मुलं घरात झोपली होती बाहेरून त्यांना आग लावून टाकली आणि ती जळून खाक झाले पुन्हा आपले मंत्री बोलायला तयार अशी घटना परत होता कामाने। अरे पण घडलीच कशी घडलीच कशी बरं घडली ती घडली दुर्दैवानी पण ते व्ही के सिंग आज बोललेत अरे रस्त्यावरच्या कुत्र्याला दगड मारलं तर सरकार कसं जबाबदार दलित कुटुंब जाणल्यानंतर रस्त्यावरच्या कुत्र्याला दगड आणि दलित रस्त्यावरचा कुत्रा आणि दलित हे तुम्ही बरोबरी करता मग कशाला इकडे ते इंदू मिलचं भूमिपूजन केलं थाटामाटात। प्रत्येक घराघरामध्ये जाऊन गोमाशा कशाला फिरताय तुमच्या गोमाश शोधत शोधत तुमच्या गोमाशा फिरण्यापेक्षा ना एकदाच काय तो खणखणीत निर्णय घ्या देशाचं हिंदुस्थानचं हिंदू राष्ट्र घोषित करा आणि समान नागरी कायदा लावून टाका सगळ्यांना सारखा न्याय मग कोणाची माय व्हायले कोण गाय कापतो आपण बघून घेऊ। नागपूरला 25 लाख रुपयाच्या डाळीची चोरी झाली पहिले डाळीला संरक्षण द्या आणि मग पाकड्यांना संरक्षण द्या पहिले डाळीला द्या संरक्षण आणि सगळे मिळून चांगलं झालंय चांगल्या कारभाराची डाळ शिजवूया। कसुरी वगैरे जे काय प्रकरण आहे काय बोलायचं त्याच्यावरती कसुरी ते मोठं जाडजूड पुस्तक माझ्याकडे ते घेऊन आले ते कुलकर्णी हे पुस्तक लिहिलंय बरं का त्यांनी म्हटलं मग काय करायचं घालायचं चुलीत नाही पण त्याच्यात त्यांनी पाकिस्तानने सुद्धा काय चुका केल्या ते लिहिलेलं आहे म्हटलं केल्या असतील चुका लिहिलं असेल पाकिस्तानने काय केलं असेल ते पण उद्या जर का समजा दाऊद आला आणि दाऊदने पुस्तक घेऊन लिहून घेऊन आला की माझं 92-93 साठी चुकलंच मी बॉम्बस्फोट करायला नको होते काय चढवणार डोक्यावर तुम्ही नाही पण तो चूक मान्य करतोय म्हणून काय घरात घेणार म्हणून अनुपम खेर जे बोललेले आहेत ते फार चांगलं आहे की तुमचा शेजारी तुमच्या मुलाबाळांची मुली बाळांची जर का छेड काढत असेल त्यांच्याकडे वाईट नजरेने बघत असेल तर तुम्ही त्याला काय पाहुणा म्हणून घरात घेणार आणि घेणार असेल तर तुम्ही घ्या आम्हालाही जमणार नाहीये हे आम्हाला नाही जमणार।